नमस्कार, राम राम सा। आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं, सुहानी चोपड़ा जोधपुर की, दो दिन से हर सोशल मीडिया पर, न्यूज पर, हर अखबार की सुर्खियां बटोर रही है, वो क्या असली कहानी है, इसके पीछे का क्या सच है, क्या इमोशनल है, उसके बारे में आज आपको बताएंगे। जी हाँ, उनका पहले परिचय करा देते हैं। सुहानी चोपड़ा 31 वर्षीय शास्त्री नगर सी 102 जोधपुर निवासी है। इनके पति का नाम विश्रुत जैन है और उनका डिलीवरी यानी इनका बच्चा होने वाला था और उस समय इनकी क्या हालत रही, क्या डॉक्टर कर रहे थे और क्या अभी सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है, आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, अस्पताल में एक माँ ने बेटी को जन्म देकर दम तोड़ दिया और उनकी मौत से कमजोर परिवार ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए उनके नेत्र दान करवाए। जी हाँ, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये उनके बेटी का जन्म के वक्त बनाया गया वीडियो ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन इसकी ये चैनल पुष्टि नहीं करता है। इस तरह की 8 ऑपरेशन चले थे, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, 11 साल बाद उनको मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन बच्ची की मृत्यु पर डॉक्टरों ने लगातार 8 घंटे ऑपरेशन कर उनकी जान जोखिम में थी, वो एक गंभीर बीमारी से थी। इस वजह से उनके परिवार वाले और जो सुहानी चोपड़ा, इनकी डिलीवरी होनी थी, वो बच्चे और सुहानी को किसमें, इसमें एक को बचाया जा सकता है, ऐसा डॉक्टर का कहना था। और ये SGI हॉस्पिटल में भर्ती थी जोधपुर में, और लास्ट में डॉक्टर ने सुहानी से पूछा कि क्या करें, बताइए, ये तो आपको बचाया जा सकता है या आपकी बच्चे को, तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं तो वैसे ही पीड़ित बीमारी से ग्रसित हूँ। ये सुनकर ऐसी भावुक कहानी और ऐसा मतलब सोशल मीडिया पर ये फैलता गया, तो सुहानी चोपड़ा नहीं रही और बच्चे को बचा लिया गया। डॉक्टर ने बहुत मेहनत की, इसके बाद इनके परिवार वाला ने एक अच्छा संदेश दिया कि इनकी दो आंखें थी जो किसी को दान कर दी, यानी जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष एन के जैन ने अपनी पुत्रवधू के नेत्रदान के लिए काउंसलर मनोज मेहता से संपर्क कर नेत्रदान की इच्छा जताई। अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद की शाखा तेरापंथ युग परिषद सिद्धारपुरा ने नेत्रदान में सहयोग करवाया। ऐसी माँ ही हो सकती है जो अपने बच्चे के जन्म और अपने बच्चे हेतु अपनी जान प्राण त्याग दिया। एक माँ ही है जो अपनी आंखें तो बंद हो गई लेकिन दूसरों दो लोगों की रोशनी बंद कराएगी। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियो के लिए।